स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईसीईआरटी एडू हब। इस वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस दूसरा फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम लोग पकड़ते हैं क्या, इन द बुक्स ऑफ राहुल, राहुल का बुक में हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं एज एट 31st मार्च 2021। डेबिट क्रेडिट हम लोग अलग फॉर्मेट बनाए, पहले हम लोग इधर ही कॉलम बनाए थे, अभी हम लोग क्या किए, कॉलम इधर डेबिट साइड कर दिए, इधर क्रेडिट साइड कर दिए। अब हम लोग इस लेजर के ऊपर बेस करके, ये देखिए लेजर बनाया हुआ है पहले से ही, इस लेजर का बैलेंस लेके हम लोग ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। देखिए पहले क्या है, कैश बैलेंस क्या है आपका 31650 है। कैश क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 31650। उसके बाद देखिए क्या है, महेश अकाउंट, महेश भी क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो इसे इधर लिखेंगे डेबिट साइड में, महेश अकाउंट कितना था 5000। उसके बाद देखिए यहां पे सेल्स अकाउंट है जो क्रेडिट बैलेंस है, हम लोग सेल्स को क्रेडिट साइड लिखेंगे, सेल्स अकाउंट कितना है देखिए 47600, 47600। उसके बाद क्या है, सुरेश अकाउंट जो कि डेबिट बैलेंस है, यहां लिखेंगे सुरेश अकाउंट डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में लिखेंगे 7000। ठीक है, उसके बाद क्या था, ड्राइंग्स अकाउंट जो डेबिट बैलेंस है, हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट कितना है, ड्राइंग्स अकाउंट 2500। ठीक है, उसके बाद वेजेस अकाउंट जो वो भी है डेबिट बैलेंस, वेजेस अकाउंट कितना है, वेजेस अकाउंट 450। ठीक है, उसके बाद क्या है, सैलरीज अकाउंट वो भी डेबिट बैलेंस है, सैलरीज अकाउंट कितना है देखिए 1200। उसके बाद और एक लास्ट बचता है, कमीशन रिसीप्ट जो कि क्रेडिट बैलेंस है, हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे कमीशन रिसीव अकाउंट कितना है देखिए 200। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इधर भी इसको बैलेंस करेंगे, इधर भी एक बैलेंस कर दिए, इधर भी बैलेंस, नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, उसके बाद देखिए पहले हम लोग क्रेडिट साइड को प्लस कर देते हैं, 47600 प्लस 200 क्या होगा 47800, इधर हो गया। अब इधर वाला हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्या है कितना 31650 प्लस 5000 प्लस 7000 प्लस 2500 प्लस 450 प्लस 1200 इजिकल टू आ गया 47000। देखिए 47800 मतलब दोनों तरफ मैच कर गया 47800, इसको हम लोग टोटल मिला दिए, तो ये भी मैच कर गया, मतलब ये भी लगभग सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।